आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्टेटमेंट आया दोस्तों, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बोला है फोन पे। अभी आपको पता ही है कि दूसरी बार नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की में लगभग 35 मिनट्स बातचीत हुई थी। तो यहां पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बोला है, पर्टिकुलरली नाम लिखे बोला है कि मैंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। मैंने पीएम मोदी से बोला कि इस वॉर को एंड करो, कॉन्फ्लिक्ट को एंड करो, और इसमें यूरोपियन लीडर्स भी जोड़ दिया। अब बात यह है कि इन्होंने बाइडेन का नाम नहीं लिया, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत को, इंडिया को इन्होंने स्पेशल मेंशन दिया। पीएम मोदी को उनका अलग से नाम लेके ये बोला कि मैंने उनको ये बोला था कि वॉर को एंड करिए, किसी भी तरीके से वॉर को एंड करिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करिए। दुनिया नेसेसरी एक्शंस नहीं ले रही। मुझे लगता है अमेरिका, जैसे भारत पे अभी कार्रवाई करने की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका को अपने ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यहां पे मेन तो अमेरिका है। अमेरिका ने अभी देखिए रशिया के ऑयल को बैन कर दिया है। यूरोप करेगा कि नहीं करेगा वो तो नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने तो कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि भारत पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कौन सा कदम उठा लिया यूक्रेन के लिए, या यूरोपियन कंट्रीज ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया यूक्रेन के लिए? ठीक है, हार तो रहा है ये यूक्रेन, मर तो नहीं है लोग। तो वही अब ज़ेलेंस्की ने बोल दिया। अब तो नेटो की मांग को भी इन्होंने बोल दिया कि भाई देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फाइनली इन्होंने नेटो की मांग को, मतलब नेटो में जाने के लिए बहुत इच्छुक थे ना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ने उसको भी ड्रॉप कर दिया कि मैं नेटो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि नेटो जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें करने से डरता है और रशिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा वो, तो इसीलिए नेटो को मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। फाइनली ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मान लिया और अब शायद वॉर में टर्न अराउंड आए, मे बी एंड हो जाए, क्योंकि रशिया यही डिमांड कर रहा था। ओके, तो ये बकायदा स्टेटमेंट आया है। फिलहाल पीएम मोदी से उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन देखिए भारत का अलग हिसाब किताब है। भारत ऑपरेशन गंगा 1 मार्च से चला रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाया गया है, बहुत ही कम ही बचे हुए हैं। 694 स्टूडेंट्स समी में फंसे हुए थे, समी में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन कल इवैक्यूएशन शुरू हो गया। इसी इवैक्यूएशन के मामले में पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात की और पुतिन से भी बात की। आज व्लादिमीर पुतिन 10 बजे, मतलब अभी शायद अब तो हो ही गया होगा, उन्होंने शेलिंग रोक दी है और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ओपन कर दी। चलो फाइनली लोगों के बारे में तो सोचा जा रहा है। अब उसके बाद पीएम मोदी ने इसके मामले में बात की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह बोला था उनसे कि वॉर को एंड करिए आप कुछ भी करके। अब इसके लिए कोई जवाब नहीं दिया पीएम मोदी ने, हालांकि शुक्रिया बोला व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, लेकिन 694 भारतीयों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। यहां पे कल सुबह आठ बजे आप समझिए कि ये वेस्टर्न यूक्रेन गए, नहीं, कल सुबह 8 बजे मतलब बस आई इंडिया की और उसमें स्टूडेंट्स को बैठाया गया, और अब सारे नहीं है, बहुत सारी बसें थी। अब उसके बाद इनको पोल्टेवा करके एक टाउन है, वहां पे लेके जाया जाएगा और वहां से फिर ट्रेन पकड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यही बताया है, अरिंदम बागची जो स्पोक्स पर्सन ने यह बताया कि टाइम लगा, थोड़ा सा वक्त इसलिए लगा क्योंकि ड्राइवर इन बिटवीन चेंज हुए। अब जैसे ही चीजें सही हुई इनको वेस्टर्न यूक्रेन ले जाया जाएगा ट्रेन से, और उसके बाद फिर इनको वापस लाया जाएगा। ओके, तो आज ही मैंने सुबह पहला लेक्चर लिया था कि क्यों भारतीय जो है वो यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। 8 बांग्लादेशियों को भी हमने बाहर निकाला। मैंने एक लेक्चर लिया था कि 13 बार भारत ने ऐसा कारनामा किया है, और भारत खाली अपने लोगों को नहीं, भारत बाकियों को भी बाहर निकालता है, यह बहुत बड़ी बात है। अब जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पे फंस गए थे, अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होते तो हम इनको भी लेके आते। हालांकि इसमें रिश्तों का कोई लेना देना नहीं है, भारत वैसे भी लेके आएगा क्योंकि हमारी संस्कृति ही वही नहीं है। तो 8 बांग्लादेशियों को भी हम वापस लेके आए हैं, हमने सही सलामत उनको बाहर निकाला है, इवैक्यूएट किया, और आज वो बांग्लादेश में है। तो इसीलिए शेख हसीना ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। एंड यू नो इंडिया एंड बांग्लादेश आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, भारत की वजह से ही तो बांग्लादेश बना। ओके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं।
फिलहाल ऑपरेशन गंगा स्टिल चल रहा है, वो अभी भी भारतीय और कुछ लोग जो है वहां पे फंसे हुए हैं। अब बात ये है कि ये युद्ध जो है 13वां दिन है, अब ये कहां जाएगा? देखिए युद्ध जो है, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो के बारे में बोला है कि हम इतना ज्वाइन नहीं करेंगे, अब हम इच्छुक नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो शायद अब व्लादिमीर पुतिन सोचेंगे इसके बारे में और मे भी 2-3 दिन में इसका आपको असर देखने को मिले। जो अगली राउंड ऑफ टॉक्स होगी वो निर्णायक होगी। अभी तक 3 बार रशिया और यूक्रेन मिल चुके हैं, अब 4थी बार जब मिलेंगे तो निर्णायक होगी। तो ये लेक्चर था। कल मैं आपके लिए प्रपोजल लेके आया था, आप मुझे अपने यूट्यूब चैनल भेजो, मैं उसको फ्री में प्रमोट करूंगा। बहुत बच्चों ने भेजे यार, देखो हेल्पलाइन नंबर्स पे मत भेजो, आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे भेजो, ठीक है? सारे यूट्यूब चैनल को मैं प्रमोट नहीं करने वाला यार। कुछ लोग मुझे डांस के चैनल भेज रहे हैं, कुछ लोग मुझे अजीबोगरीब चैनल भेज रहे हैं। भाई देखो, मुझे अगर लगेगा कि तुम वाकई में समाज में कुछ अच्छा, ये बहुत जबरदस्त कंटेंट है और इसमें तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, सोसाइटी जो है या लोग जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे या ये मदद करने वाला है, मैं उनको प्रमोट करूंगा, ठीक है? नाचने वाले चैनल के या अजीब गरीब चैनल के, फालतू के चैनल्स के मैं प्रमोट नहीं करने वाला। तो उसमें आप टाइम वेस्ट मत करो। जब मुझे लगेगा कि ये लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मैं उस तरीके के चैनल को प्रमोट करने वाला हूं। और याद रखिएगा कि एक दिन में मैं एक ही चैनल को प्रमोट करूंगा, क्योंकि और भी वीडियोस होते हैं दोस्तों, या मैक्सिमम 2। सबके चैनल को प्रमोट करूंगा मैंने, जिससे जिससे कल बहुत बच्चों को मैंने रिप्लाई भी किया। अब देखिए ये चैनल जो है आज जो मैं प्रमोट करूंगा, ये प्रशांत सर का है, प्रशांत भवानी सर का है। प्रशांत भवानी सर को आप जानते होंगे, क्यूरियसली इनका चैनल है, ये हिंदू एनालिसिस करते थे जहां मैं पहले काम करता था आईक्यू पे, ठीक है? हिंदू एनालिसिस करते थे और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो आप इनके चैनल क्यूरियसली को, अब बहुत लोग बोलेंगे क्या सर आप तो अपने को ही, भाई देखो सबको मैं प्रमोट करूंगा, ठीक है? सबको मैं प्रमोट करूंगा, जितने भी जो भी कल भी अभी थोड़ी देर बाद एक और चैनल को प्रमोट करूंगा जो आपने मैसेज किया, मैं सबको प्रमोट करने वाला हूं, ठीक है? तो क्यूरियसली इनके चैनल का नाम है, जरूर सब्सक्राइब करिए। यहां पे आपको हिंदू एनालिसिस फाइनेंशियल न्यूज तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको करेंट अफेयर्स भी मिलेंगे, बहुत ही शानदार कंटेंट देते हैं और आवाज तो सर की बहुत ही जबरदस्त है। तो अभी इसी वक्त चैनल को, क्यूरियसली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही ये मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फिर उसके बाद आपने हमारे कोर्स को लिया कि नहीं, बिल्कुल हमारे कोर्स को अवेल करिए, लाइव क्लासेस मत मिस करिए। आज प्रशांत सर की क्लास है, तो ये कोर्स जो है वो सिर्फ 2700 का आपको मिलेगा और सीसैट अगर आपको लेना है तो वो 1800 का मिलेगा। तो ये बस चीज आपसे बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच।